शिवपुरी की कोलारस थाना पुलिस ने बीते 18 जुलाई को बिहट्टा गांव के पास एबी रोड पर कट्टे की नोक पर हुई बाइक सवारों से लूट का खुलासा करते हुए 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी लुटेरे आदिवासी हैं और शिवपुरी के बड़ोरी के बताए जा रहे हैं। वहीं पकड़े गए लुटेरों ने पुलिस से लूटी हुई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि फिरियादी उदय और हरपाल दोनों भाई अपनी बाइक से रात 10 बजे कोलारस की तरफ जा रहे थे, तभी दो बाइकों पर सवार 5 बदमाशों ने उनकी बाइक को रोक लिया और कट्टा एवं चाकू अड़ाकर एक मोबाइल फोन और बाइक को लूटकर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाशी शुरू की और 5 बदमाशों को बड़ौदे से गिरफ्तार किया, जिनसे लूटी हुई बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। 18 तारीख को एक रात में लूट की घटना थाना कोलारस क्षेत्र में हुई थी। ये बैठा के रहने वाले उदय सिंह प्रजापति हैं, अपने भाई हरनाथ प्रजापति के साथ में मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तो इनको मोटरसाइकिल से कुछ लोगों ने रोका और इनके साथ मार पिटाई करने लगे और इनसे मोटरसाइकिल और मोबाइल ये छीन लिया था। पुलिस ने इसको तत्परता से कोलारस पुलिस को सूचना मिलने पर इसकी घेराबंदी की गई थी। इनके बारे में जानकारी पता करने पर एक बंटी आदिवासी पकड़ाया था, जिसके बारे में पता करने पर उसके साथ में 5 और अन्य लोगों आरोपियों का पता लगा है और ये 5ों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब शिवपुरी के रहने वाले हैं और नई उम्र के हैं, 18 से 22 साल के बीच की उम्र के हैं। पहले का इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में अगर ये अज्ञात रह जाते तो निकालने में दिक्कत आती। तो इस अच्छी कार्रवाई करी है, पूरी 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने जो घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिलें हैं वो भी बरामद की गई, 2 कट्टे इनसे जब्त हुए हैं और जो लूट का गया हुआ मोटरसाइकिल है और मोबाइल है वो इनसे जब्त किया गया है।